क्या आपकी बाइक के अंदर क्लच की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार क्लच प्लेट बार बार ठुक रही है, या फिर गियर की प्रॉब्लम आ रही है, गियर हार्ड लग रहे हैं, या फिर आपकी बाइक के अंदर क्लच प्लेट लगाते हैं, लगाने के बाद कुछ टाइम बाद फिर खराब क्लच प्लेट आपकी फिर से खराब हो जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा इस बाइक के बारे में। या आपकी बाइक के अंदर पिकअप बहुत कम है, तो प्लेटिना बाइक है बजाज का, जो कि अभी नया ही मॉडल है, और इसके बाइक के क्लच हमने खोला हुआ है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये क्लच हमारे हाथ में देख रहे हो, इस बाइक के अंदर पूरा क्लच खोल दिया हमने। इस क्लच को कैसे प्रॉपर तरीके से फिट किया जाता है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दानवी सिंह है और मैं पिछले 15 सालों से बजाज में काम कर रहा हूँ टेक्नीशियन के पद पर। तो आपको जो मैं बताऊंगा प्रॉपर तरीके से क्लच को कैसे फिट किया जाता है, इस वाली क्लच को कुछ मैकेनिक क्या करते हैं, इस क्लच को लगाने में गड़बड़ कर देते हैं, कुछ प्लेट उल्टी डाल देते हैं, कुछ प्लेट सीधी डाल देते हैं, जिसके कारण इस बाइक में क्लच में आपके सही से प्रॉपर फिट नहीं बैठ पाती है, तो गियर में प्रॉब्लम आ जाती है, गियर हार्ड हो जाते हैं और पिकअप भी डाउन हो जाता है, जिसके कारण आपको बार बार ये आपको पे करना पड़ता है और कंपनी की तरफ से आपको ये वारंटी भी नहीं मिलती है। तो मैं जैसा आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको कैसे फिट करना है, या आप मैकेनिक हैं तो मेरे तरीके से फिट करें, अगर आप कस्टमर हैं तो आप ये जाके बोल सकते हैं किसी मैकेनिक को कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से क्लच को फिट किया जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो आप आ जाइए क्लच की तरफ, मैं आपको बताता हूँ कैसे फिट करते हैं। तो ये हमने पूरा खोल दिया, आप देख रहे हैं, जैसा कि ये क्लच हाउसिंग है, और क्लच हाउसिंग में कुछ नहीं, दो चीज चेक करने के लिए होता है। फर्स्ट नंबर, यहाँ पर कोई कट तो नहीं है, वो क्लच प्लेट जब हम इसके अंदर चलती है तो ये वाले जो निशान बन जाते हैं क्लच से, यहाँ पर इसका ध्यान रखें, इसमें कोई निशान तो नहीं आ रहे। दूसरा नंबर, ये वाला जो आप बुश देख रहे हो, इस बुश को ध्यान से देखें, इस बुश अंदर की तरफ लूज तो नहीं चल रहा, प्ले बन जाती है इसके अंदर, या फिर ये एक्स्ट्रा तो नहीं बाहर की तरफ आ रहा, इधर से आप दबाओगे और इधर से दबाओगे तो दोनों तरफ से ये फिक्स बैठेगा। और ये दो चीज चेक करें, इसके बाद आपके क्लच कटोरा में प्रॉपर काम सही तरीके से करेगा। अंदर की तरफ एक वाशर लगता है, इसका ध्यान रखें, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा पास से दिखाइए, अंदर की तरफ ये वाशर लगता है, इसको ध्यान रखें, वाशर कटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद हम क्लच को, ये क्लच हाउसिंग को फिट करते हैं इसके अंदर, और ये हमने फिट कर दिया इसके अंदर, और ये वाशर, इसके ऊपर फिर एक वाशर लगेगा, इस वाशर का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, ये कटा हुआ तो नहीं है, और इसको हम लगाएंगे। इसको लगाने के बाद अब हमारा आता है क्लच का काम, तो ये हमारा क्लच हब बोलते हैं इसको, इसको ध्यान रखें, ये इस साइड से कटा हुआ तो नहीं है, अगर ये कटा हुआ होगा तो क्लच में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम क्लच प्लेट लगाएंगे। यहाँ पर मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्लच प्लेट को सीधा और उल्टा दो तरीके से देखा जाता है। इस क्लच प्लेट में आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंपनी का मार्क किया हुआ होता है, कंपनी मार्क किया हुआ होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैक्रो लिखा हुआ है। इसको हम अंदर की तरफ डालेंगे, यूं करके डालने से हमारा इधर की तरफ दिखेगा क्लच का, क्या नाम है इस कंपनी का, जैसे मैकनो या कंपनी का जो मार्किंग है इधर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रेशर प्लेट डालते हैं। प्रेशर प्लेट में आपको दो तरीके का ही होता है, एक तरफ प्लेन होता है और एक तरफ थोड़ा गड्ढा जैसा निशान होता है। तो इस गड्ढे वाले निशान को हम इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे, ये हमारा क्लच फिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी क्लच प्लेट भी डालेंगे सेम पहले की तरह, और प्रेशर प्लेट भी डालेंगे सेम जैसे कि हमने पहले बताया था। उसके बाद हम तीसरी क्लच प्लेट डालेंगे और तीसरा प्रेशर प्लेट डालेंगे ये वाला। उसके बाद चौथी, इसके अंदर चार क्लच प्लेट होती है, बजाज की प्लेटिना 100 cc बाइक है ये, इसके अंदर चार क्लच प्लेट देखने को मिलती है और तीन प्रेशर प्लेट होती है इसके अंदर। उसके बाद आता है क्लच सेंटर, इसको हम क्लच सेंटर बोलते हैं। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाला जो आप देख रहे हो इसका, ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर ये कट रहा हो तो आपके अंदर बाइक के अंदर पिकअप प्रॉब्लम आएगी, गियर हार की प्रॉब्लम आएगी और माइलेज की प्रॉब्लम भी साथ साथ में रहेगी। तो इसको हम फिट कर देंगे इस तरीके से। इसके अंदर एक मार्किंग है, इस मार्किंग को ध्यान रखें और थोड़ा घुमाएंगे तो दूसरी तरफ फिक्स बैठ जाएगा, एक तरफ फिक्स नहीं बैठेगा। इसमें वाशर लगा हुआ है पहले से, इसको हम फिट करेंगे। तो इसके अंदर जब फिट करते हैं हम, तो तीन क्लच प्लेट एक साइड में जाती है सीधे, और एक क्लच प्लेट को हम इधर की तरफ करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये करने के बाद हम आपको इसमें अब वाशर लगाते हैं। इसके अंदर दो वाशर लगते हैं, एक प्लेन होता है और एक कटोरी टाइप का वाशर होता है जो कि बड़ा वाला है। तो प्लेन वाले को अंदर करेंगे, कटोरी टाइप को बाहर की तरफ रखेंगे, वाशर लगा दिया।
इसके अंदर जो वोल्ट होता है ये उल्टी चूड़ी का वोल्ट होता है। उल्टी चूड़ी और सीधी चूड़ी का कैसे पहचान करें इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये दो तरीके के वोल्ट आते हैं, सीधी चूड़ी का एक उल्टी चूड़ी का। इसके अंदर जो मार्किंग देख रहे हो आप वोल्ट के ऊपर हल्का सा जो मार्किंग है ये उल्टी चूड़ी का निशान होता है। उल्टी चूड़ी इसके अंदर किसी किसी वोल्ट के ऊपर मार्किंग नहीं हो आप चेक कर लेना, बाकी बजाज में सभी बाइकों के अंदर मार्किंग दिया होता है, कंपनी ने देती है। उल्टी चूड़ी हम फिट करेंगे तो इधर एंटी क्लॉक वाइज साइड हम इसको टाइट करेंगे और क्लॉक वाइज साइड हम इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए टाइट करने के लिए हमें एक प्लर की जरूरत पड़ेगी जो कि चार टांग का प्लर बोलते हैं इसको, हम इसमें लगाएंगे और इसको क्लच होल्डर बोलते हैं हम। उसके बाद 19 नंबर की गोटी होती है जो चार टांग की होती है और इसको हम टाइट करेंगे। इसके इसे टाइट करने के बाद हम आपको इसको फुल टाइट नहीं करेंगे, इसके बाद हम टॉर्क रिंच लेके आते हैं और रोक ले सर बस हो गया ना। उसके लिए हम टॉर्क रिंच की जरूरत पड़ते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉर्क, और इसके अंदर एंटी क्लॉक वाइज चूड़ी होती है तो आप दोनों तरफ से टाइट कर सकते हो, इस साइड से क्लॉक वाइज साइड, इस साइड से एंटी क्लॉक वाइज। तो इसके अंदर 6 kg का टॉर्क लगता है जैसा कि हम इसके अंदर लगा रहे हैं आप, तो हम इसको टाइट करते हैं। टॉर्क से टाइट करें ताकि कोई दिक्कत ना आए और ये हमारा टाइट हो चुका है, 6 kg का हमने इसको टाइट कर दिया है। इसको हम निकालेंगे उसके बाद हम इसको चेक करेंगे ये वाला जो फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। अगर ये फ्री घूम रहा है तो मान लो आपकी क्लच में अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम पीछे खींचेंगे और इसे पीछे खींचने के बाद उसके बाद इसके इसके अंदर स्प्रिंग लगती है। स्प्रिंग में खास चीज चेक करना है आपको, चार स्प्रिंग है, चारों की जो मोटाई है लंबाई जो है लंबाई में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, चारों की लंबाई बराबर ही होनी चाहिए। और इसमें स्प्रिंग हम लगा देंगे, स्प्रिंग लगाने के बाद ये वाला होल्डर, होल्डर में खासकर ध्यान देने वाली बात होती है इसके अंदर बेयरिंग वाला कॉलर होता है, ये वाला कॉलर कहीं कट नहीं रहा हो और ये पूरा शेप आप देखोगे तो कहीं से कोई थोड़ा बेंड तो नहीं हो रहा, और बेंड फेंड नहीं हो तो इसके तरीके में हम इसको फिर वापसी इसमें लगाएंगे। तो हम इसको अब टाइट करते हैं और बस रोक ले इसको हम चारों बोल्ट को टाइट करेंगे और चारों वाइज चारों बोल्टों को क्रॉस टाइट करेंगे, पहले इसको टाइट करेंगे फिर इसको टाइट करेंगे और उसके बाद ऐसे ही चारों ऊपर के टाइट करेंगे तो फिर नीचे के बोल्ट टाइट करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा खास बात ये देखी जाती है इसके अंदर की जो स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं तो स्प्रिंग कहीं से मुड़ा हुआ तो नहीं है, चारों स्प्रिंग सही से लगा हुआ है। अगर स्प्रिंग सही से नहीं लगा हो तो आपने देखा होगा कई मिस्त्रियाँ ये तोड़ देते हैं, ये टूटने का रीजन यही है, ये वाली जब प्लेट टूटती है अंदर की स्प्रिंग टेढ़ी हो जाती है, बेंड हो जाती है, इसे कार्ड ये टूट जाता है। तो इसको खास तरीके से ध्यान दें ताकि ये दिक्कत आपको नहीं आए और क्लच की प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसको हम टाइट करते हैं अब बस, इसको फिट कर देंगे हम। तो ये चार बोल्ट टाइट होने के बाद उसके बाद हम देखते हैं इस बैरिंग को लगाएंगे, तो बैरिंग में देख लें प्रॉपर तरीके से चेक कर लें इसके अंदर पिले तो नहीं है, अगर पिले होगी तो आपकी क्लच प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी और क्लच दबाते में आपकी ब्रेक में तो क्लच में आवाज आएगा, इसलिए इस बैरिंग का खासकर ध्यान रखें इसके अंदर पिले नहीं होनी चाहिए। अगर पिले हो हल्का सा तो इसको चेंज कर दें, चेंज करने में ही फायदा है इसको, कुछ मैकेनिक इस चीज को चेक नहीं करते और इसको थोड़ी बहुत पिले करने चल जाएगा, तो चलने वाले काम नहीं करें चेंज कर दें, ज्यादा महंगा पार्ट नहीं आएगा, 30-35 रुपए का आपका बैरिंग आता है ये। तो इसको हम लगाते हैं इसकी तरफ, ये पूरा बैठ जाएगा इसके अंदर। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस बाइक के अंदर जो क्लच की जो प्रॉब्लम जो आ रही है फिलहाल में वो आपकी बाइक के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और गियर जो हार्ड हो रहे हैं वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और पिकअप में जो कमी आ रही है वो भी सही हो जाएगी और माइलेज तो नंबर एक का देगा भाई साहब जिसका कोई जवाब नहीं है। और अगर इस तरीके से क्लच फिट करते हैं तो ये हमारा पूरा क्लच कंप्लीट फिट हो चुका है, हो चुका है और ये हमारा इसके ऊपर गैस्केट लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पर हमने गैस्केट लगा दिया है सारा। और उसके बाद फिर हम इस कवर को लगाएंगे, इस कवर में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए होता है, सबसे पहले इसके अंदर जेट, ये वाला जो जेट देख रहे हो इसको चेक कर लें कहीं से ये बंद तो नहीं इसका सुराग, अगर जेट में सुराग बंद हो तब भी ये दिक्कत आएगी। दूसरा नंबर ये वाला जो आप ठेसी देख रहे हो इसको ठेसी बोलते हैं, ठेसी वाला हिस्सा इधर से कटा हुआ तो नहीं और इधर से कटा हुआ तो नहीं, इसमें हम जब डालेंगे तो इसके अंदर पिले ना होने चाहिए ताकि कोई दिक्कत आए ये क्लच दबाने में। तो ये सारा कुछ ओके होने के बाद हम इसको अब इसको फिट करते हैं और ये फिट होने के बाद फिर हम इसको चला के देखेंगे क्या परफॉर्मेंस आ रहा है बाइक के अंदर। तो ये हमने अब फिट करते हैं, इसके बाद इसके हम बोल्ट लगाते हैं।
ये क्लच कवर के जो बोल्ट हम लगा रहे हैं इसके अंदर, और क्रॉस वाइज टाइट करें इसको, क्रिस क्रॉस टाइट करें ताकि कहीं से लीकेज की कोई दिक्कत ना आए और लीकेज वाली प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये फुल टाइट होने के बाद मैं आपको एक जरूरी चीज और बताऊंगा जो कि क्लच के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो इसको टाइट हो चुका है, इसके बाद हम अब बताते हैं इसके क्लच, बस रोक लो, उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी क्लच की फ्री प्ले। इसके अंदर 2 mm की फ्री प्ले होती है, इसके अंदर टाइट हो रहा है बहुत ज्यादा और हम इसको लूज करते हैं क्लच को। तो आप इधर की तरफ आओगे तो ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला जो एडजस्टर के लिए बोल्ट दिया है 2 यहाँ पर, इसको हम लूज करेंगे यहाँ से और एक हाथ से हम क्लच चेक करेंगे। ये तो क्लच अभी हमारा लूज हो चुका है, इसको और लूज 2 से 3 mm इसके अंदर फ्री प्ले होती है। अगर इससे ज़्यादा फ्री प्ले होगी तब भी दिक्कत आएगी और कम फ्री प्ले होगी तब भी दिक्कत आएगी। तो हमारा ये सेट हो चुका है और बन गया। अरे यार, हमने इस बाइक के अंदर क्लच को फिट किया है प्रॉपर तरीके से और मैंने इसके बारे में बताया किस तरीके से प्रॉपर आप इस तरीके से क्लच को फिट कराते हो किसी भी मैकेनिक से या आप खुद मैकेनिक को इस तरीके से फिट करते हो जो मैंने बताया है तो आपकी बाइक के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। और जो टाइम है उसका 20-25 किलोमीटर तक, उस हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।